partners acquire the shares of profit from old partners in certain proportions. इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करवा रहा है. बी सी जो है वो एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर और 1/5 ले रहा है. ठीक है, 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है और वो किस तरह से ले रहा है, ए और बी से 2:1 के रेशियो में. अब हम सबमिशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का, ए इज टू बी 3:2 का जो क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, 3 + 2 = 5. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5 + 2/5. सी शेयर्स जो आ रहा है सी एडमिट होकर के 1/5 शेयर्स के लिए. सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, ए से कितना ले रहा है 1/5 किसका, 2:1 का. तो 2:1 का हम जब करेंगे तो 2 + 1 = 3, 2/3 और 1/3 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 1 × 2 = 2, 5 × 3 = 15. ठीक है, इज न्यू शेयर्स 3/5 - 2/15. अब 2/15 कौन सा है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और 3/5 ये ओल्ड रेशियो था ए का. तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 15, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9. ये आ गया हमारा 9, 15 × 15 और 1 × 2, 9 - 2 = 7/15. ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ पर क्या था, एज न्यू शेयर्स हमारा 3/5 - 2/15, तो ये कैलकुलेट होकर आया था, एलसीएम हमने ले लिया था इसका 15, और यहाँ पर जब एलसीएम हमने 15 लिया था, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, और यहाँ पर 15 - 15, 1 × 2, 9 × 7/15 हो गया था. इससे माइनस करेंगे तो हम ये आ जाएगा हमारा. अब सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/5 और 1/3. 1/5 कौन सा है, जिसका जिस रेशियो के लिए आया था सी. ठीक है, अब किसका 1/3, ये इस रेशियो में 1/3, ये जो हमने निकाला था 2/3 और 1/3 हो जाएगा. ठीक है, 1/3 ये हमने निकाला था, ये आ गया हमारा. अब इसका 1 × 1 = 1 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा. बीज न्यू शेयर्स 2/5 - 1/15. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, एलसीएम हमारा वही 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 15 × 15, 1 × 1, 6 - 1 = 5. देयरफॉर न्यू रेशियो ए का 7/15, ठीक है, बी का 5/15 और सी का 1/5 जो आया था सी 1/5 के लिए. इसका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम हो गया हमारा 15, तो 15 × 15, 1 × 7 = 7, 15 × 15, 1 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3. तो इसका जो आंसर आएगा 7:5:3, ये इसका आंसर आ जाएगा. कहने का मीन्स क्या है कि जब कोई पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसके एडमिशन के टाइम पर कई तरीके की कंडीशंस बनकर आती हैं, हर कंडीशन को हम अलग अलग वे में कैलकुलेट करते हैं. एक सरेंडर शेयर्स वाला था, यहाँ पर भी एक तरह से एक्वायर कर रहा है कि वो किससे कितना लेगा, तो ये इसमें एक्वायर्ड वाला पॉइंट बताया गया. ठीक है,